हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, होली आ रही है और हम सब ऑर्गेनिक कलर से ही होली खेलना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट से लाए हुए रंगों में कुछ ना कुछ मिलावट अक्सर मिल जाती है, जिससे कि हमारी स्किन के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप वेजिटेबल्स से कैसे अच्छे कलर बना सकते हैं और बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम देके आप खेलने छोड़ सकते हैं। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और आप इसे बहुत आसानी से अपने घर में बना सकती हैं। इनमें टाइम कोई खास ज़्यादा लगता नहीं है। तो आइए देखते हैं, जो कलर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सब एक ग्लास के नाप के बने हुए हैं, और जब आप अपने आप बनाएंगे तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उन चीज़ों का मेजरमेंट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चीज़ें इकट्ठी करी हैं। ये चुकंदर है जो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये कच्ची हल्दी है, ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और ये है पालक। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने कैसे शुरू किया। फ्रेंड्स, ये पालक को हमने मिक्सी में पीस लिया है। मिक्सी में बस उसको बॉयल नहीं करना है, कुछ कच्चा ही उसको पीस लें। ये हल्दी को ऐसे छील लेंगे और इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। निकल आया ना, बढ़िया। अब इसे मैं कद्दूकस करती हूँ। पूरा करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये रही कद्दूकस की हुई हल्दी। और हल्दी तो हमारे, आपको जानते हैं, बहुत एंटीसेप्टिक होती है और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं और हमारे हर शुभ कार्य में हल्दी बहुत लगती है। तो अब मैं इसको बताती हूँ आगे इसको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों हमारे चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये चुकंदर है, ये हल्दी है और ये पालक है। अभी आप देखिए, इसको मैं पहले दिखाती हूँ आपको कि हल्दी को कैसे कलर करना है। ठीक है, ये हल्दी रही। और ये इसमें मिलाते हैं हम थोड़ा, इसमें ये पालक। ये देखिए, अच्छा बन गया ना अंदर का। इसी तरह से हम ये चुकंदर लेके ये इसमें आपको मिला के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये हो गया। तो ये रहा चुकंदर वाला। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तीनों कलर्स आप देख रहे हैं कितने बढ़िया तैयार हो गए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, कोई इसमें केमिकल नहीं है और आपने खुद बनाए हैं। और आप और जल्दी चाहते हैं तो आप इनको बॉईल करके भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन पालक का हमको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ हल्दी का और चुकंदर का हम बॉईल करके भी बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको छान ज़रूर लें, क्योंकि जो पालक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे पत्ती के, वो हमारी आँख में जा सकते हैं, इसलिए आप उसे छान के मिला सकते हैं। अब मैं आपको बॉईल करके दिखाती हूँ कि ये कैसे होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें पानी बॉईल होने लग गया है ना। अब हम इसको इसमें हल्दी डालते हैं और इसी तरह से दूसरे वाले भगोने में हम डालते हैं चुकंदर। ये देखिए, कलर आने लगा ना। ये देखिए हल्दी का, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बिल्कुल आसान। आपको कुछ नहीं करना। अब आपके बच्चे खूब अच्छे से होली खेल सकते हैं बिना किसी डर के कि स्किन पे किसी तरह का रिएक्शन होगा, है ना। तो ये इंस्टेंट मेथड है जो बॉईल करके, उसमें जो दूसरा अभी आपको मैंने जो पहले बताया उसमें ये कि आपको उसमें पानी में डाल के उसको ओवरनाइट छोड़ दें, बाल्टी में चुकंदर और हल्दी और पालक डाल के ओवरनाइट छोड़ दें और दूसरे दिन उनको बच्चों को खेलने के लिए दे दें। ये वाला इंस्टेंट है, आप इसको बॉईल करके उसी टाइम छान के ठंडा कर लें और फिर आपके पानी में उसको मिला लें, एक्स्ट्रा वाइट जो प्लेन वाटर होगा उसमें। ये पालक है, इसको हमने ऐसे छान लिया। ये देखिए, बढ़िया निकला है ग्रीन कलर इसका। ये देखिए, ये बिल्कुल शुद्ध हैं कलर, इनमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। इसी तरह से ये हमारा बॉइल्ड चुकंदर का है जो जूस, ये भी हमने हम कर लिया। ये देखिए क्या बढ़िया कलर निकला। ठीक है,
ये देखिए, और ये रहा बॉइल्ड हल्दी का, देखिए क्या बढ़िया कलर है ना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तीनों कलर हमारे तैयार हो गए। तो आप भी इसी तरह से कलर बना लीजिए और बच्चों को होली खूब दिल भर के खेलने दीजिए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी फिक्र के। तो हैप्पी होली टू यू ऑल।